हेलो एवरीवन वेलकम टू एम वैन गुड मॉर्निंग आप सभी को जितने भी लोग यहां पर सेशन के साथ कनेक्ट कर चुके हैं सेशन के साथ जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग अनुरूप शिवम गुड मॉर्निंग राधे कृष्ण जी गुड मॉर्निंग आपका नाम हमें सुबह सुबह राधे कृष्ण बोलने का मौका देता है राजन झा जी खुशी हिमांशु सभी को यहाँ पर शुभप्रभात सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी को जय सिया पूनम शर्मा जी गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात आपको भी सभी लोग फटाफट से सेशन के साथ यहां पर कनेक्ट कर लें तहरीन खान जी गुड मॉर्निंग ठीक है सभी लोग फटाफट से सेशन को कनेक्ट कर लें ताकि हम लोग फिर सेशन को यहाँ पर शुरू करें सेशन को स्टार्ट करें रशिका गुड मॉर्निंग अर्पिता गुड मॉर्निंग ज्योति चौधरी जी गुड मॉर्निंग सुप्रभात फोर्टीन ऑफ मार्च आज की तारीख है और आज के डेली करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत विकी कुमार जी नमस्कार रिपर्ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन सभी को गुड मॉर्निंग सभी को यहां पर है। चलिए करें सेशन की शुरुआत ओके अर्पित गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी से सभी लोग यहां पर सेशन के साथ कनेक्ट कर लें। एक छोटी सी बात जल्दी से सेशन की लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा जहां कहीं भी आप लोग क्लास की लिंक को शेयर कर सकते हैं एक बार जल्दी से Uh, मूर्ति जी अर्धी मूर्ति गुड मॉर्निंग डियर गुड मॉर्निंग एक बार जल्दी से सेशन से से की लिंक को शेयर कर दीजिएगा और दूसरा कि जो लोग रेगुलर बेसिस पर इस सेशन का हिस्सा बनते हैं डू लाइक द सेशन एक बार आप लोग सभी लोग फटाफट से सेशन से 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 को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा शेखर सिंह जी नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी सभी को गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात शुरुआत करें सेशन की सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे को यहां पर डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ तो आज का जो मोटिवेशन कोट यहां पर बनता है वो रहा ये रहा आपके सामने बहुत ही शानदार आज का मोटिवेशन कोट है ध्यान से पहले इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा एक्सपीरियंस यानी की कि जो अनुभव होता है ना एक्सपीरियंस इज अ हार्ड टीचर बिकॉज सी गिव्स द टेस्ट फर्स्ट द लेसन आफ्टरवर्ड एक्सपीरियंस हमें कब मिलता है अनुभव हमें कब मिलता है या कब प्राप्त होता है जब हम कोई काम पहली बार करने जाते हैं हमें उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती तो हम पहली बार वो काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम कुछ गलतियां भी कर जाते हैं कुछ अच्छा भी कर सकते हैं तो बेसिकली फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं किसी चीज़ को जब करने जाते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं और हम उन गलतियों से सीखते हैं तो बेसिकली जो एक्सपीरियंस है एक बहुत ही हार्ड टीचर है जो कि पहले टेस्ट देता है मतलब पहले आपको टेस्ट देना है और टेस्ट से जो आपने सीखा आपने जो परीक्षा यहाँ पर दी उससे जो आपने से लेसन बाद में मिलेगा लेकिन टेस्ट आपको पहले देना होगा लेकिन जीवन में अगर हम किसी सपने की बात करें तो आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं है ना पहले से तैयारी कर सकते हैं लेकिन जीवन में हर चीज का अनुभव फर्स्ट टाइम आपको होता ही है क्योंकि आप वो चीज पहली बार कर रहे हैं आपसे पहले जिन लोगों ने उस काम को किया है भले ही वो आपको कितना भी एडवाइस दे दें कितना भी आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दें लेकिन जब आप पहली बार उस जगह पर पहुंचते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहली बार कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने पहुंच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो आपको जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है फॉर

सभी लोग रेडी हैं है यस वी आर रेडी सर ओके गुड मॉर्निंग ब्रजेश पांडे जी तनु जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग डू लाइक द सेशन जितने भी लोग लाइव हैं और रेगुलर रहते हैं फटाफट से सेशन को लाइक like यहां पर जरूर कर दीजिएगा शबनम जी गुड मॉर्निंग

और लास्ट के पांच एमसीक्यूज लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं क्लियर मेरी बात नहीं रेड कारपेट का जो कलर आपका बदला गया है उसके पीछे का कोई मेन लॉजिक नहीं है आयोजक ऑस्कर सेरेमनी में चाहते थे कि रेड कलर की जगह उन्होंने आई थिंक शैम्पिन कलर का कारपेट बिछाया था राइट शैम्पेन कलर का कारपेट यहाँ पर बिछाया है तो उनका कहना था कि उससे जो तस्वीरें हैं वो और बेटर आती हैं और वो थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे कुछ अलग करना चाहते थे इसके पीछे बस वही लॉजिक था कि तस्वीरें पहले से थोड़ा बेहतर आएंगी, और uh, थोड़ा सा एक ग्लोरियस कलर नजर आएगा रेड कारपेट की जगह है। उस कलर को लाने का और कोई रीजन यहां पर नहीं था ओके चले करंट अफेयर्स न्यूज की हम लोग बात यहां पर करेंगे ठीक है डिटेल में सात से आठ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज सेशन का होमवर्क आज ऑस्कर को लेकर तीन न्यूज मैंने यहां पर रखी है मैं आपको पहले से अपडेट यहां पर दे देता हूं टोटल तीन न्यूज है ऑस्कर को लेकर पहली न्यूज आपकी नाटू नाटू सॉन्ग को लेकर रहेगी दूसरी न्यूज आपकी यहां पर रहेगी बहुत सारे लोग यहां पर बधाइयां दे रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि अरे भैया नाटू नाटू सॉन्ग ने यहां पर ऑस्कर अवार्ड जीत बिल्कुल बहुत ही शानदार बात है लेकिन केवल नाटू नाटू ही नहीं एक और ऑस्कर अवार्ड हिंदुस्तान को मिला है भारतीय फिल्म को यहां पर मिला है तो दूसरी जो करंट अफेयर्स न्यूज है वो सेकंड ऑस्कर इंडिया में कैसे दिया गया है उससे रिलेटेड है और तीसरी ऑस्कर न्यूज ऑस्कर की ओवरऑल सेरेमनी के अवार्ड से रिलेटेड है ठीक है ओवरऑल जो सेरेमनी हुई है उसके अवार्ड से रिलेटेड है तो तीन न्यूज आपको यहां पर ऑस्कर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे होमवर्क का डिस्कशन फटाफट से करेंगे क्वेश्चन नंबर वन आंसर यहां पर देना शुरू कीजिएगा सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा नो स्मोकिंग डे जो आपका ऑब्जर्व किया जाता है वो हर साल आपका किस दिन पर मनाया जाता है विच डे यहां पर ऑस्कर डे तो सॉरी ऑस्कर डे बोल रहा हूं नो स्मोकिंग डे आपका यहां पर मनाया जाता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा सही जवाब देखिए नो स्मोकिंग डे की बात अगर यहां पर की जाए तो इसके लिए कोई तारीख आपकी निर्धारित नहीं है है ना इसके लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं है तो ये आपका जो सेकेंड वेंसडे होता है ना सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च मंथ सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च मंथ उस तारीख को दिन आपका डिसाइडेड है तारीख नहीं तो इस साल आपको याद होगा एट ऑफ मार्च सेकेंड वेंसडे आपका यहां पर बनेगा ठीक है सेकेंड वेंसडे आपका यहां पर बनेगा यह आपका नो स्मोकिंग डे के तौर पर मनाया जाएगा अलीमा जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डियर गुड मॉर्निंग ओके नाउ एवरीथिंग इज ओके से यस एवरीवन वन हिमांशु से यस की नाउ एवरीथिंग इज ओके देन से यस सेकेंड वेंसडे ऑल डन एवरीथिंग इज ओके ओके तो थर्टी फर्स्ट ऑफ मे ये हो जाएगा आपका एंटी टोबैको डे ठीक है तो आपको यह चीज याद रखना है कि स्मोकिंग और टोबैको में फर्क है टोबैको जो प्रोडक्ट्स आपके यहां पर होते हैं ना टोबैको जो प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर होते हैं उनको अब टोबैको प्रोडक्ट्स में सिगरेट भी आ जाएगी स्मोकिंग भी आ जाएगा बट अदर टोबैको प्रोडक्ट्स भी होंगे है ना जो जु बोलो जुबा केसरी वाले प्रोडक्ट्स होंगे बात समझ में आ गई तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स होंगे गुटा है ना तो वो सब तो एंटी टोबैको डे आपका होगा थर्टी फर्स्ट ऑफ मे को याद रखिएगा अच्छा अभी रिसेंटली कर्नाटका स्टेट ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने एक ऐप आपके यहां पर लॉन्च की है जो कि एक जीपीएस इनेबल्ड एप्लीकेशन है जीपीएस इनेबल्ड एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई भी स्मोकिंग वगैरह यहां पर करता है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर उस जीपीएस इनेबल्ड एप्लीकेशन के माध्यम से उस व्यक्ति की आ, मतलब लोकेशन और उस व्यक्ति की फोटो खींच के डाली जा सकती है उस एप्लीकेशन का नाम क्या बनता है तो ये जीपीएस इनेबल्ड एप्लीकेशन है इसमें जीपीएस इनबिल्ड है इसका नाम है स्टॉप क्या है स्टॉप टोबैको

स्टॉप टू बैको कर्नाटका स्टेट की जीपीएस इनेबल्ड एप्लीकेशन है क्लियर है ओके जन औषधि दिवस की अगर हम लोग बात यहां पर करें तो जन औषधि दिवस आपका यहां पर मनाया जाता है ऑफ मार्च को ठीक है कब मनाया जाएगा सात मार्च जितने भी लोगों ने आंसर यहां पर दिया है वो यहां पर बिल्कुल सही है एंड क्वेश्चन नंबर थ्री कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल 2023 हजार आपके यहां पर किस खिलाड़ी ने आपका यहां पर जीता है फटाफट से मुझे कमेंट uh, सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा इसका टाइटल यहां पर जीता है डेनियल मेदवेदेव ने ठीक है डेनियल मेदवेदेव ने ये टाइटल आपका यहां पर जीता है ठीक है क्लियर है मेरी बात टेनिस खिलाड़ी हैं मेल मेदवेदेव ठीक है तो ये रहे आपके लास्ट सेशन के होमवर्क के सभी आंसर्स क्लियर है चलिए तो आप आ जाइए एमसीक्यूज पर और फटाफट फटाफट एमसीक्यूज का आंसर देना शुरू कीजिएगा रेडी हैं सभी लोग डू लाइक द सेशन जितने लोग भी लाइव हैं सेशन को फटाफट से लाइक यहां पर कर दीजिएगा ठीक है फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा आगे बढ़ रहे हैं पहले क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ रिसेंटली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च अनपॉज इनिशिएटिव दिस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद ये इनिशिएटिव किससे संबंधित आपका इनिशिएटिव यहां पर बनता है या ब्रिंगिंग द विमेन वर्कफोर्स ब्रिंगिंग द विमेन वर्क फोर्स बैक टू द वर्क यानी कि जो महिलाएं हैं वो काम पर वापस लौटे तो उन्हें सपोर्ट करना है कि वो वापस से एक पॉज लेने के बाद वापस से अपने करियर को रिस्टार्ट कर रही है वर्क फोर्स बैक टू द वर्क पोस्ट कोविड इनहेंसिंग द बैंकिंग नेटवर्क बोथ बी एन सी एन नैन ऑफ दीज ध्यान से आंसर यहां पर दीजिएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा मैग्जिम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ यहां पर जा रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा ब्रिंगिंग द विमेन वर्क फोर्स बैक टू द वर्क किसी भी कारण से अगर आ, उन्होंने अपनी वर्किंग को रोका है या किसी वजह से पॉज लिया है अपनी करियर में

दो तीन पॉइंट और याद रखेगा इस बैंक ने काम करना कब शुरू किया या फिर कब यह बैंक आपका यहां पर स्टेब्लिस हुआ था तो 2017 में इस बैंक ने काम करना आपका यहां पर शुरू किया 2017 में इंपॉर्टेंट रहेगा अब बात यहां पर जब वुमेन वर्कफोर्स की होगी जब बात यहां पर विमेन वर्कफोर्स की यहां पर होगी तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वुमेन वर्कफोर्स किस कंपनी के पास है तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक इंडेक्स यहां पर डिस्कस किया था एक रिपोर्ट डिस्कस की थी जिसमें TCS कंपनी आई थी कि जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं वर्क कर रही हैं तो वो कंपनी आपकी यहां पर बनती है TCS क्लियर है मेरी बात सभी को अच्छा अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं महिलाओं की ही विमेंस की बात करूं जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा है 23 ईयर से ज्यादा है ऐसी महिलाओं के लिए वन थाउजेंड रुपी पर मंथ यहां पर प्रोवाइड करने के लिए किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है राज्य सरकार का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा स्कीम का नाम क्या रहेगा लाडली बहना योजना लाडली बहना योजना जिसके माध्यम से हर महीने हजार रुपए महिलाओं को आपके प्रोवाइड किए जाएंगे ये भी विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ही है मध्य प्रदेश जितने भी लोगों ने आंसर आपका यहां पर किया है वो बिल्कुल यहां पर सही है भारतीय महिला बैंक आप सभी को याद है भारतीय महिला बैंक महिलाओं को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए और विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय महिला बैंक को शुरू किया गया था दो में टू में इसका हेडक्वार्टर था भारत के न्यू डेली में लेकिन आगे चलकर इस बैंक को टू में मर्ज कर दिया किसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंपावरमेंट यानी कि अगर महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करना है इंपावर होना है लोन वगैरह चाहिए तो दूसरे बैंकों के मुकाबले अगर करता था लेकिन अब यह बैंक बंद हो चुका है बंद नहीं कहेंगे किसके साथ मर्ज हो चुका है एसबीआई के साथ आपका यहां पर बैंक मर्ज हो चुका है क्लियर है सभी को मेरी बात सेवरी वन मर्ज हो चुका है ऑप्शन नंबर हमने

One of the two women to get a place in the Nagaland state legislature. She defeated. उन्होंने जो हराया है किस फीमेल को यहाँ पर हराया है एजेटो Jhimomi ऑफ विच political पार्टी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पता होने चाहिए जाखलू नागालैंड के राज्य विधानमंडल में जगह पाने वाली जो दो महिलाएं हैं उनमें से एक है उन्होंने यहां पर किस राजनीतिक दल की को हराया है। उनकी पार्टी का नाम यहां पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जनशक्ति पार्टी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर थ्री क्या करेक्ट आंसर रहेगा जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आंसर यहां पर दीजिएगा इस क्वेश्चन का सलहोतु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग नागालैंड्स फर्स्ट मिनिस्टर इन ईयर डिड नागालैंड गेट इट्स स्टेटहुड ध्यान से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का देखिए दो एमएलए चुनी गई हैं सही है और उन दो एम में से एक को यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और यहां पर मिनिस्टर बनाया गया है तो आपको यहां पर बताना है की सलहौतुनु क्रोस नागालैंड महिला पहली महिला मंत्री बनकर उन्होंने इतिहास रचा है नागालैंड को अपना राज्य का दर्जा या नागालैंड के इतिहास में जब से नागालैंड हुआ है तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला वहां पर मंत्री की उन्होंने यहां पर शपथ ली है नागालैंड की स्थापना किस ईयर में आपकी यहां पर हुई थी पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब मैगजिम लोग आंसर यहां पर कर रहे हैं कि नाइनटीन में नागालैंड राज्य की शुरुआत सॉरी नागालैंड राज्य की स्थापना आपकी यहां पर हुई थी तो यह बिल्कुल सही है नागालैंड राजधानी क्या बनेगी कोहिमा कोहिमा नागालैंड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी भी आपकी यहां पर बनती है यह भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है उस समय यह देश का अठारवा राज्य था अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं अठारवा नहीं सोलवा राज्य था तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सिक्सटींथ स्टेट था जब यह उस समय 1963 में जब इसे राज्य का दर्जा मिला था तो यह सोलवा राज्य आपके यहां पर उस समय बनता था दीमापुर नया स्टेशन आपका यहां पर बना है वेरी गुड डियर क्लियर है मेरी बात ये सारी चीज है नागालैंड जो बेसिकली है यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एनुअल फेस्टिवल होता है जिसका नाम आपको याद होगा बर्ड जो आपकी आ, फेमस बर्ड यहाँ पर बनती है हॉर्न बिल है ना तो हॉर्नबिल फेस्टिवल याद है ना सभी को हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर होता है यही पर होता है

नेक्स्ट एट विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस वाज थर्टी मिनट डॉक्यूमेंट्री ऑन कंट्रीज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी रिसेंटली रिलीज ध्यान से आंसर दीजिएगा हाल ही में देश की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी पर आधारित तीस मिनट की डॉक्यूमेंट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर जारी की गई है कहाँ पर आपकी यहाँ पर लॉन्च की गई है कोची में तिरुवनंतपुरम में तिरिस्टर कोल्लम और वर्कला में केरला में है ये तो आप सभी को पता है लेकिन केरल की किस लोकेशन में तो लोकेशन आपकी यहां पर बन जाएगी तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर आपका यहां पर बनेगा अच्छा दो तीन चीजें जो आपको यहां पर याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो वर्तमान जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी छब्बीस जनवरी उन्नीस को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की ठीक है क्लियर है हा सर क्लियर है भारत के सबसे पहले फर्स्ट सीजेआई करंट सीजेआई कौन है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा करंट सीजेआई कौन है भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम कमेंट सेक्शन में और सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एच जे कनिया एच जे कनिया सबसे पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जय कृष्णदास कनिया ठीक है हीरा लाल जय कृष्ण दास कनिया या एच जे कनिया शक्तिकांत दास नहीं है वो आरबीआई के गवर्नर हैं मैं सीजीआई की बात कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट सीजीआई कौन है मैंने ये बता दिया है करंट सीजीआई कौन है लिखकर बताएगा डीवाई चंद्रचूड़ और पहले कौन थे आपके आंसर बनेगा एच जे कनिया इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखेगा अच्छा सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें सीजीआई को मिला के ध्यान से सुनना मेरी बात ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कंफ्यूज हो जाते हो गलत करके चले जाते हो ठीक है, सीजीआई को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल संख्या कितनी है अगर हम सीजीआई को इंक्लूड कर दें तो सीजीआई को इंक्लूड कर दें तो सीजीआई को इंक्लूड करके चौतीस हो जाएगी संख्या और सीजीआई को अगर काउंट ना करें तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी हो सकती है जजेस की वो हो जाएगी आपकी थर्टी थ्री क्लियर है सभी को क्लियर है सभी को ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर दीजिएगा रिसेंटली रामचंद्र पौडेल वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच ऑफ दीज रीसेंटली रिसेंटली रामचंद्र पौडेल ने किस राज्य में सॉरी किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव आपके यहां पर जीत लिया है नेपाल मॉरिशस श्रीलंका इंडोनेशिया और म्यांमार सही जवाब यहां पर क्या बनेगा सभी का आंसर आ चुका है सर नेपाल ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है नेपाल वेरी गुड एवरी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन और नेपाल के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट

उन्हें किस वर्ष हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर आपका नियुक्त किया गया था वो शामिल हुई थी हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर क्वेश्चन नंबर एट करेक्ट आंसर बनेगा 2003 में और अब वो मिसाइल स्क्वाड्रन आपके यहां पर संभालेगी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है पुष्प कमल दहल प्रचंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच स्टेट मेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैंड रिटेन नोट रिसेंटली ध्यान से आंसर दीजिएगा बिल्कुल सही है अर्पित ओके okay. हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोटों का ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड लेजेंडरी जनरल के ऊपर बेसिकली ये नोट्स लिखे गए हैं राज्य का नाम मुझे फटाफट से कर बताएगा करेक्ट आंसर बनेगा असम अहोम डायनेस्टी ए फॉर अहोम और ए फॉर असम ऐसे याद करना हो तो कर सकते हो अहोम डायनेस्टी कहां से संबंधित है असम राज्य इस तरीके से याद रख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन रिसेंटली विच मिनिस्टर रिलीज अ थर्टी मिनट डॉक्यूमेंट्री ऑन द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी ध्यान से आंसर दीजिएगा हाल ही में किस मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की देश की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी पर आधारित तीस मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको रिलीज किया है तो यहां पर मिनिस्टर का नाम क्या बनेगा पांच ऑप्शन फटाफट से मुझे बताएगा सही जवाब कि मिनिस्टर का नाम यहां पर क्या रहेगा जल्दी से बिना किसी देरी के फटाफट से बताएगा सही जवाब सभी लोग सभी लोग मिनिस्टर नेम आपका यहां पर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर दस वो रहेगा आपका साजी चेरियन ऑप्शन नंबर ए नहीं ए इसका है नो नो सी इज नॉट दी करेक्ट आंसर है। कल डिस्कशन हुआ था न्यूज में इसका सही जवाब ए है अरे इसका सही जवाब ए है भाई ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है ठीक है ओके तो डिस्कशन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ पूरा हुआ सो डू लाइक द सेशन एवरी वन फटाफट से सेशन को यहां पर लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं। और ऑस्कर की न्यूज का डिस्कशन हम बस यहां पर शुरू करने ही वाले हैं तो बस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले, तो पहले तो सेशन को लाइक करना है जितने लोग लाइव हैं उतने लाइक्स होने चाहिए लाइव इज इक्वल टू लाइक्स तो फटाफट से सेशन को लाइक करो दूसरा काम जल्दी से अपना स्कोर कार्ड पब्लिश कीजिए हिमांशु ने सेवन क्वेश्चन करेक्ट किए हैं आउट ऑफ टेन आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं अपना स्कोर कार्ड राठौर अंशिका छः वैभव आठ रिपर्णा नौ वेंकटेश आठ अर्पिता नौ प्रज्ञा आठ आस्था आठ अनुरूप आठ अंशिका ने छह ही क्वेश्चन करेक्ट किए हैं यानी कि आज का सेशन थोड़ा सा टफ था डू लाइक डू लाइक एंड शेयर बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति नो no. खुशी सात बाकी लोग फटाफट जल्दी आंसर कीजिएगा बाकी लोग फटाफट सुमित आर्या नो no. वेरी गुड एवरी वन तहरीन खान जी ने भी टेन में से नाइन एम करेक्ट किए हैं लवजीत आठ वेरी गुड चलिए तो ये तो रहा आज की परफॉर्मेंस आप सभी की थोड़ी सी फीकी रही है मुझे ऐसा लगा दुर्गेश नंदिनी जी ने साथ ओके डिंपल आर्ट वेरी गुड तो चलिए अब न्यूज वाले पार्ट की करते हैं शुरुआत आई थिंक आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस न्यूज के के डिस्कशन लिए सबसे पहली न्यूज आप सभी के सामने ये रही जो आपसे छिपी तो बिल्कुल नहीं है पहली न्यूज नाटू नाटू सॉन्ग फ्रॉम दी आर 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 फिल्म ऑस्कर फॉर ऑरिजिनल सॉन्ग आज तक जब से मैंने टीच करना शुरू किया है टू थाउजेंड एंड फोर्टीन से मैं टीचिंग कर रहा हूँ टू थाउजेंड एंड फोर्टीन से लेकर आज तक मैंने कभी भी ऐसी न्यूज नहीं पढ़ी कि किसी भारतीय फिल्म या किसी भी भारतीय गाने को जो भारतीय हो पूरी तरह से ऑस्कर अवार्ड आपका यहां पर दिया गया हो आप वीडियो के माध्यम से सेरेमनी को देख सकते हैं और जब ये अनाउंसमेंट आपके यहां पर किए गए अनाउंसमेंट जब आपका यहां पर हुआ तो आप रिएक्शन यहां पर देख सकते हैं एम एम केवानी साहब का वो किस तरीके से खुश हैं और स्टेज पर पहुंचे ऑस्कर अवार्ड रिसीव करने के लिए और उन्होंने अपनी स्पीच भी दी नमस्कार से उन्होंने नमस्ते से उन्होंने अपनी स्पीच को यहां पर शुरू किया था भारतीय पारंपरिक भारतीय तरीके से तो इमेजेस के माध्यम से आपने देखा भी होगा कल आप लोगों को जैसे ही ये न्यूज हमें रिपर्ना ने और बाकी स्टूडेंट्स ने यहां पर सबसे पहले मैंने कमेंट कल जब हम लोग सेशन कंडक्ट कर रहे थे तभी ये न्यूज आपकी आउट हुई थी राइट right. तो आप ही लोगों ने इस न्यूज के बारे में सबसे पहले बताया था मुझे इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से चली तो ये शानदार था यह जानदार था तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं नाटू नाटू सॉन्ग फ्रॉम दी एस एस राजौलीज आर 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 का फुल फॉर्म राइज रोर रिवॉल्ट हैज वन ऑस्कर इन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी तो यहां पर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इस गाने को यहां पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया है क्लियर है मेरी बात ऑस्कर अवार्ड दिया गया है इट हैड टू बीट द अदर इसने दूसरे गाने को हराया ऑस्कर जीता। कैटेगरी और अवार्ड जीत लिया कौन कौन से गाने थे Tell it like a दूसरा गाना होल्ड माई हैंड टॉप गन का गाना था सोचिए टॉप गन टॉम क्रूज की फिल्म लिफ्ट मी पैंथर फिल्म का गाना है मार्वल्स का उसको भी पीछे छोड़ा एंड दिस इज अ लाइफ एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इन गानों को हरा कर यहां पर ऑस्कर अवार्ड जीता है ओके म्यूजिक डायरेक्टर एम एम किरेवानी एम एम किरेवानी एक्सेप्टेड अवार्ड विद आ नमस्ते उन्होंने नमस्ते किया जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचे नमस्कार करके उन्होंने इस अवार्ड को आ, यहां पर स्वीकार किया ठीक है किरवानी कंपोज द म्यूजिक इस गाने का जो म्यूजिक है वो एम एम साहब ने कंपोज किया है और इस गाने के जो बोल हैं नाटू नाटू गाने के जो बोल हैं वो चंद्र बोस साहब ने यहाँ पर लिखे हैं गाना इनके द्वारा लिखा गया है और म्यूजिक एम एम साहब के द्वारा कंपोज किया गया है तो ये दोनों नेम आपको यहाँ पर याद रखने हैं

होगा म्यूजिक आपका दिया था ए आर रहमान ने जय हो गाने को भी आपका मिलेनियर फिल्म डॉग पर ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका था याद है ना सभी को क्लियर yeah. है ओके okay. ऑस्कर की न्यूज कंप्लीट अभी नहीं हुई है सेकेंड न्यूज आपके सामने आ चुकी है इंडियन फिल्म नेम इज एट द एलिफेंट विस्पर्स द एलिफेंट विस्पर्स विंस द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी तो एक और अवार्ड आपका यहां पर बनता है और यह अवार्ड यहां पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में आपका यहां पर जीता गया है तो अकेले नाटू नाटू ही नहीं इस फिल्म ने भी भारत का यहां पर से ऋचा किया है आप यहां पर अनाउंसमेंट देख सकते हैं ऑस्कर की स्टेज पर जैसे ही अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ गुनीत मोंगा जो आपको यहाँ पर रेड कलर की साड़ी में नज़र आ रही हैं आप उनके यहां यहाँ पर एक्सप्रेशंस देख सकते हैं ठीक है और उन्होंने यहाँ पर उनकी फिल्म ने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया ये बेसिकली एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है जिसने ये अवार्ड आपका यहाँ पर जीता है क्लियर मेरी बात नाचो नाटू नाटू हाँ हिंदी मतलब नाचो नाचो ही होता है बिल्कुल सही है चलिए इसको डिस्कशन इसका कर लेते हैं द एलिफेंट विस्पर्स अ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ्रॉम दी कृतिकी गोंसाल्विस एंड गुनीत मोंगा तो ये दो नाम हैं जो आपको यहां पर याद रखने होंगे ठीक है कार्तिकी गोन्सालविस और गुनीत मोंगा इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है नाम है एलिफेंट विस्पर्स हैज वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड नाइनी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड्स तो यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इन्होंने यहाँ पर यह शानदार प्रदर्शन और इन्होंने भी अवार्ड देखा है कितने लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर देख ली है और अगर नहीं देखी है तो आई नो कि अब आप जाएंगे और जरूर इस डॉक्यूमेंट्री को वॉच आउट करने वाले हैं और देखिएगा जरूर बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है ओके द मूवी वॉज अप अगेंस्ट आखिर ये मूवी किस बारे में है अगर अगर मैं बात करूं कि किन किन मूवीज़ को हराया है पहले तो वो देखेंगे फिर मैं ये भी देखूंगा कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्री है किस बारे में ओके मूवी वाज अप अगेंस्ट किन किन फिल्मों के अगेंस्ट में फिल्म आपकी यहाँ पर खड़ी हुई थी स्ट्रेंजर एट द गेट इसके अलावा हॉल आउट एंड हाउ डू यू मेजर अ ईयर अवार्ड इज एंड ऑनर फॉर माई मदरलैंड इंडिया सेट डायरेक्टर गों उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड मुझे यहां पर मिला है ये मेरी मदरलैंड भारत के लिए है मेरी मातृभूमि भारत के लिए है ये उन्होंने भारत की भूमि को यह अवार्ड अपना यहां पर समर्पित किया अगर मैं फिल्म की बात करूं डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करूं द एलीफेंट विस्पर्स तो ये फिल्म टोटल फोर्टी वन मिनट की फिल्म है इकतालीस मिनट की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है विच वॉज प्रोड्यूस बाई दी

और ये कहानी उन्हीं पर आधारित है कि उस फैमिली ने दो हाथियों के बच्चों को अडॉप्ट किया एक का नाम रघु है तो रघु के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री आपकी यहाँ पर घूमती है ठीक है दिस इंडिया थीम शॉर्ट वॉज नोट वर्दी सिंस इट सर्व एज द डायरेक्टर गोंजालविज डायरेक्टिंग डेब्यू एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं गोंजालविज जी इन्होंने पहली बार डायरेक्शन किया है या डायरेक्ट किसी फिल्म को डायरेक्ट किया है और ये उनकी बेसिकली डायरेक्टिंग डेब्यू फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है तो किसी ने पहली बार फिल्म को डायरेक्ट किया हो डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया हो और यहाँ पर ऑस्कर जीत लिया हो बिल्कुल डेब्यू किया है और ऑस्कर अवार्ड आपके यहाँ पर जीत लिया चलिए बात यहाँ पर कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड वन बाई इंडिया अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कई बार एग्जाम में ऐसा देखा जाता है कि हम इस साल किन किन फिल्मों को अवार्ड मिले हैं किन किन भारतीय फिल्मों को अवार्ड मिले हैं इस साल ये देखा जाता है तो हम लोग उसको अच्छे से याद कर लेते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इससे पहले भारतीयों को जो अवार्ड्स दिए गए हैं भारतीय फिल्मों को जो अवार्ड्स मिले हैं या भारतीय भारतीयों ने दूसरी आ, फिल्मों के लिए अवार्ड्स अगर हासिल किए हैं तो वहां से क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा सबसे पहली बात कभी भी एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड पहली भारतीय जिन्हें ऑस्कर अवार्ड आपका यहाँ पर मिला है तो भानु अथैया जी रहेंगी भानु अथैया जी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए नाइनटीन में फिल्म आई थी गांधी गांधी फिल्म में गांधी जी का किरदार प्ले करने वाले एक्टर के लिए उन्होंने जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था उसके लिए उनको यहां पर सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था तो यह पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सेकेंड रेसिपियंट जिन्हें ऑस्कर अवार्ड आपका दिया गया था सत्यजीत रे ये एक सम्मानित करने के लिए ऑनररी अवार्ड आपका यहां पर इनको था 1992 में थर्ड रेसिपियंट जिन्हें यहां पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया था पुकुट्टी बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड दिया गया था 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए है ना आई थिंक शायद यह हो फिल्म के लिए ही था जय हो गाने के लिए ही था ठीक है इसके अलावा फोर्थ रेसिपियन की बात करें तो गुलजार साहब बेस्ट ऑरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी गाने के बोल लिखने के लिए 2009 में ठीक है फिफ्थ रेसिपिएंट ए आर रहमान आपके यहाँ पर रहेंगे कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी 2009 गाने का नाम जय हो सिक्स रेसिपिएंट आपके यहाँ पर बन जाएंगी अब कार्तिकी गोंजालविस और गुनीत मोंगा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट 2023 और सेवंथ रेसिपिएंट ओवरऑल अगर हम बात करें भारतीयों के द्वारा भले ही इससे पहले की फिल्में भारतीय नहीं थी ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूँ डॉग मिलेनियर की तो वो आपकी डायरेक्टेड बाय हॉलीवुड डायरेक्टर वो इंडियन फिल्म तो आपकी नहीं थी ठीक है ये सब इंपॉर्टेंट है तहरीन खान जी कभी भी पूछा जा सकता है और अब सेवेंथ पोजिशन पर याद रखना कि नाटू नाटू या इस साल छः और सातवां ऑस्कर इंडिया को आपका यहाँ पर मिला है नेक्स्ट साथ ही साथ ये तो हो गई भारत की बात ऑस्कर अवार्ड से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो बाकी के लिए आप यहां पर ये यह पूरी लिस्ट में आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं या समझा नहीं रहा हूं ये पूरी लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी इस साल पंचानवे वकेडमी अवार्ड अकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड आपके यहां पर कहते हैं याद रखेगा ये कंप्लीट लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केवल क्वेश्चन वहीं से नहीं पूछेगा कि भारतीयों ने कौन से अवार्ड जीते हैं क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि ऑस्कर के लिए बेस्ट पिक्चर आपकी यहां पर कौन रही तो एवरी थिंग एवरीवेयर ऑल एड

द वेल फिल्म के लिए ठीक है ब्रेंडन फ्रासर को ये बेस्ट एक्टर रहेंगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट एडिटिंग बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी ओरिजिनल स्कोर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन ब्लैक पैंथर के लिए दिया गया है वाकांडा फॉर एवर कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के लिए ठीक है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए ठीक है देन बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट के लिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आपकी यहां पर चुनी गई है तो यह भी आप लिस्ट में देख लीजिएगा यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेस्ट साउंड ऑस्कर टॉप गन ठीक है इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट भारत की द एलिफेंट विस्पर्स जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो यह रही कंप्लीट लिस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ओके इंडिया गेट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म एट हुबली इन कर्नाटिका ओके एवरीवन, जी हाँ भारत में वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आपके यहां पर है लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ कितनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा हुबली कर्नाटिका में तो चलिए इस पर डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो इनोग्रेशन किया गया है वो आपके सामने है ठीक है वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा मोदी जी के द्वारा इसको यहां पर इनोग्रेट किया गया है ये उस स्टेशन की तस्वीरें ध्यान से देखिएगा वीडियो को आप लोगों के लिए ड्रोन के माध्यम से तस्वीर हम लेकर आए हैं बहुत मेहनत की है हमने ओके तो चलिए डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे की बात करें टोटल 18 रेलवे जोन आपके यहां पर बनते हैं भारतीय रेलवे में टोटल 18 रेलवे जोन है और उन 18 रेलवे जोन में से एक रेलवे जोन है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के तहत आता है हुबली हुबली गॉट इट्स नेम रजिस्टर्ड रिसेंटली इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड और हुबली का नाम अभी रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका यहां पर शामिल हो गया है फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म क्योंकि इनके पास सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म नाम यहां पर इसको दिया गया है प्लेटफॉर्म स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टेशन का नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी स्टेशन श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन यहां पर ये प्लेटफॉर्म इस स्टेशन के अंदर मौजूद है जो कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पर बनता है हुबली स्टेशन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट हुबली स्टेशन का भी रिसेंटली निर्माण कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 20.1 करोड़ रुपए के साथ एज अ पार्ट ऑफ री दी हुबली यार्ड क्योंकि हुबली यार्ड जो है उसको री किया जा रहा है रीडेवलप आपका यहाँ पर किया जा रहा है एंड दिस स्टेशन अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेशन की बात करें हुबली स्टेशन कैटर्स टू द फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन नीड्स ऑफ द हुबली एंड धारवाड़ रीजन तो हुबली और धारवाड़ रीजन में यह स्टेशन कैटर करेगा आगे आने वाले भविष्य में जो भी ट्रांसपोर्टेशन नीड्स आपकी यहां पर होंगी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा इसलिए स्टेशन को रीमॉडल किया गया है दोबारा से डेवलप किया गया है इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही इसका जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका बन गया है इससे पहले यस गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था यू आर राइट और अब यहां पर यह प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली जंक्शन में या हुबली स्टेशन में स्टेशन की बात करते हैं हुबली स्टेशन की तो स्टेशन ऑल्सो इनहेंस द ऑपरेशनल कैपेसिटी इस स्टेशन की ऑपरेशनल कैपेसिटी भी आपके यहां पर बढ़ गई है ऑफ द यार्ड एड्रेसिंग द नीड टू होल्ड रन एडिशनल ट्रेन इन द फ्यूचर तो भविष्य में अगर हमें कुछ ट्रेनों को होल्ड करना पड़े एडिशनल ट्रेनों को चलाना पड़े तो आसानी से हम चला सकते हैं कैपेसिटी क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है टू डायरेक्शन एक साथ दोनों दिशाओं में ट्रेनों को भेजा जा सकता है अप एंड डाउन तो ये यहां पर हुबली स्टेशन की जो क्षमता है वो पहले से आपकी यहां पर बढ़ गई है फैक्ट्स की बात यहां पर कर लेते हैं श्री सिद्धा रोड स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली इज एन असेंशियल जंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन बनता है कर्नाटका स्टेट का एंड हुबली इज अ मेजर हब ऑफ ट्रेड व्यापार का एक बड़ा गढ़ है और कॉमर्स इन द नॉर्थ कर्नाटका रीजन उत्तरी कर्नाटका के इलाके में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड और कॉमर्स का हब बनता है तो यहां पर इस रेलवे स्टेशन की क्षमता बढ़ना ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए होगा यह याद रखिएगा दिस स्टेशन इज सिचुएटेड ऑन द जंक्शन कनेक्टिंग रेलवे लाइंस टुवर्ड्स तो द बेंगलुरु और बेंगलुरु होसपेटे बेंगलुरु होसपेटे एंड वास्को डिकामा बेलगावी ये जो लाइन है रेलवे लाइन है ये स्टेशन उस रेलवे लाइन को कनेक्ट करता है या उसी रेलवे लाइन में लोकेटेड है ओके लेंथ की अगर हम लोग बात यहां पर करें तो प्लेटफॉर्म नंबर एट रहेगा जो सबसे लंबा रहेगा प्लेटफॉर्म नंबर एट मेजरिंग 1507 मीटर 1507 मीटर लगभग लगभग डेढ़ किलोमीटर हो जाएगा लगभग लगभग डेढ़ किलोमीटर हैज अर्न द डिस्टिंक्शन एज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड तो प्लेटफॉर्म नंबर आठ है संख्या याद रखिएगा और लेंथ आपके सामने है यह भी याद रखिएगा डू लाइक द सेशन फटाफट से सेशन को लाइक कीजिएगा जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं डू लाइक द सेशन जितने भी लोग लाइव हैं डू लाइक फटाफट ओके प्लेटफॉर्म नंबर एट हुबली 1507 मीटर लगभग डेढ़ किलोमीटर आर्मी इंस्टॉल्स द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन हिली डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भारतीय आर्मी ने यहां पर लगाया है टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग आप इसकी तस्वीरें भी यहां पर देख सकते हैं कहां पर लगाया है जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट जो हिली एरिया है वहां पर ओके तो जम्मू कश्मीर चलिए इसके बारे में अगर हमारे पास कोई वीडियो होगा तो हम लोग फटाफट से उस वीडियो को भी यहां पर देख लेंगे प्ले करेंगे ओके नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए यहां पर फटाफट से शुरू करते हैं हमारे पास वीडियो है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है और तिरंगा झंडा आपको यहां पर नजर आएगा कि किस तरीके से इस तिरंगे झंडे को इंस्टॉल किया जा रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ तिरंगा झंडा पहुंचाया जा रहा है और फिर इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा इस लंबे से पोल पर ऊंचे से पोल पर जय हिंद सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा तिरंगे झंडी की शान में आन बान और शान में फटाफट से चलिए जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर आर्मी आर्मी ने यहां पर इंस्टॉल किया है द दॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन द हिली डोडा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जो डोडा डिस्ट्रिक्टोडा डिस्ट्रिक्टोडा डिस्ट्रिक हिली एरिया वहां का सबसे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग यहां पर इंस्टॉल किया गया है ठीक है आगे बात करते हैं द ट्राई कलर इंस्टॉल्ड ऑन हंड्रेड फीट हाइट पोल करीब सौ फीट ऊंचा पोल है जिस पर इस तिरंगे झंडे को लगाया गया है द हाइएस्ट ट्राई कलर इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ये पूरे डोडा जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा बनेगा वाज अनफ्लर्ड बाय द जीओसी डेल्टा फोर्स मेजर जनरल अजय कुमार के द्वारा इसको यहां पर इंस्टॉल किया गया या फहराया गया अलोंग विद द कमांडर नाइन सेक्टर आर ब्रिगेडियर समीर के पालांडे भी वहां पर आपके मौजूद थे हंड्रेड फीट हाई मोस्ट नेशनल फ्लैग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डोडा डिस्ट्रिक्ट इज नॉट ओनली अ प्राउड मोमेंट टू आर्मी अलोन बट ऑल रेजिडेंट्स ऑफ हिली डिस्ट्रिक्ट तो यहां पर केवल आर्मी के लिए नहीं बल्कि इस जिले में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए कहीं कही ना कहीं एक प्राउड मोमेंट आपका यहां पर बनता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और इस इंपॉर्टेंट न्यूज की मदद से हो सकता है कि अगली बार जब आप नागपुर शहर जाएं तो आपको कोई भी आ, आ, बेगर आपको वहां पर नजर ना आए जी हाँ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी लॉन्च इन महाराष्ट्र नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में बैगर फ्री इनिशिएटिव बैगर फ्री सिटी इनिशिएटिव आपका हाँ पर शुरू किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन महाराष्ट्र न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी कि हमें इस शहर को भिखारियों से मुक्त यहां पर करना है वॉज लॉन्च इसे नागपुर सिटी में लॉन्च यहां पर कर दिया गया है नागपुर के जो ऑरेंज होते हैं ना नागपुर के जो ऑरेंजेस होते हैं वो जीआई टैग है इनको नागपुर में ऑरेंज बड़े पॉपुलर है, है ना प्रसिद्ध है तो नागपुर को दैट ऑरेंज सिटी भी आपका यहां पर बोलते हैं नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर जिनका नाम है अमितेश कुमार उन्होंने कहा दैट अ नोटिस अंडर रिगार्डिंग regard. में एक नोटिस आपका यहाँ पर जारी भी किया गया है नोटिस के हिसाब से अगर हम लोग बात यहाँ पर करें नोटिस वी आर गिवेन टू दीपल लोगों को यहाँ पर नोटिस दिए गए हैं एंड बैगिंग वॉज नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसिस बैगिंग आपके यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर अलाउड नहीं होगी ज्वाइंट नागपुर सिटी पुलिस एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ दी नागपुर की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है एनएमसी वो नागपुर सिटी पुलिस के साथ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को आपका यहाँ पर रन कर रहे हैं बिल्कुल सही कहा रिपर्णा ने कि उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने भी इस बात की घोषणा की थी कि 2023 के अंत तक हम उड़ीसा राज्य को स्लम फ्री कर देंगे झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त तो आपके यहां पर कर देंगे तो यह भी यहां पर याद रखिएगा आगे बात करते हैं नागपुर म्युनसिपल कॉर्पोरेशन हैज मेड अ स्पेशल अरेंजमेंट्स इन इट्स ऑन शेल्टर्स टू रिस्ट्रिक्ट द होमलेस पीपल तो यहां पर उन्होंने कुछ व्यवस्था भी की है जो बेघर लोग हैं जो पब्लिक प्लेसेस पर भीख मांगते हैं उनको मतलब रोकने के लिए उनके लिए आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं मतलब कि जहां पर वो आकर रह सकते हैं होमलेस पीपल्स के लिए सेल्टर्स बनाए गए हैं ठीक है द सिविक बॉडीज हैव आल्सो अरेंज अ बस सिविक बॉडी यानी कि म्यूनिस्पल कारेशन ने यहाँ पर एक बस भी अरेंज की है एंड और एक एम्बुलेंस भी आपकी यहाँ पर अरेंज की है टू शिफ्ट दी बैगर्स कॉट इन द पुलिस ऑपरेशन इन देयर सेल्टर होम्स टू देयर शेल्टर होम्स तो यहां पर ये बस और एम्बुलेंस कहीं पर भी बैगर्स अगर पकड़े जाएंगे पुलिस ऑपरेशन के तहत तो उन्हें वापस में इनके सेल्टर होम्स में भेज दिया जाएगा बात समझ में आ रही है जी ट्वेंटी की मीटिंग से पहले यह होना कुछ और बातों की तरफ भी इशारे करता है, है ना कि चलो इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ध्यान से सुनिएगा स्पेन बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव मदर्स एंड फादर्स द सेम पेरेंटल लीव माता और पिता दोनों को यहां पर पेरेंटल लीव देने वाला और वह भी सेम पेरेंटल लीव देने वाला यहां पर पहला जो देश बना है वो बना है स्पेन ठीक है क्लियर है ओके स्पेन बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव मदर्स एंड फादर्स द सेम पेरेंटल लीव सोलह हफ्ते सिक्सटीन वीक्स नॉन ट्रांसफरेबल एंड फुल्ली पेड इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन नॉन ट्रांसफरेबल सोलह सप्ताहों की सिक्सटीन वीक्स की फुल्ली पेड लीव यहां पर मेल uh, और फीमेल दोनों को यहां पर मिल सकेगी ठीक है बेबी के जन्म के टाइम है ना क्लियर है मेरी बात न्यू रिसर्च सजेस्ट ऐसा पाया गया है एक नई रिसर्च में और उसके हिसाब से सजेस्ट भी किया गया है दैट मोस्ट मैन आर टेकिंग देयर पेरेंटनिटी लीव विच बूस्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी चाइल्ड कोयर तो बेसिकली अगर उनको यहां पर ये पेरेंटल लीव यहां पर मिल जाएगी तो बेसिकली बच्चे की जो जिम्मेदारी है उसकी जो देखभाल है उसकी जो जिम्मेदारी है समान जिम्मेदारी को बढ़ावा मिल पाएगा मेल और फीमेल दोनों मिलकर बच्चे को पाल पोस पाएंगे उसका ख्याल यहाँ पर रख पाएंगे इस आधार पर यहाँ पर दिया गया है सम कंपनीज़ आर इंट्रोड्यूसिंग मेजर्स टू इनकरेज मेल एम्प्लॉयज टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन सच एज ऑफरिंग वर्कशॉप्स ऑन को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेंजिंग द बिजनेस एंड फैमिली डायनमिक्स तो यहाँ पर कुछ वर्कशॉप्स भी कराई जा रही हैं लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि फीमेल के साथ साथ मेल भी अपना पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन यहां पर करें बच्चों की देखभाल के लिए बात समझ में आ रही है तो इंडिया में थोड़ा अभी तो लग रहा है कि मुश्किल है लेकिन बाकी देखते हैं चलिए आगे बात करते हैं The above shows of तो इससे कहीं ना कहीं जेंडर इक्वेलिटी को भी बढ़ावा मिलता है जेंडर इक्वेलिटी की वैल्यूज को भी बढ़ावा यहां पर मिलता है पेड लीव होगी हाँ जी जी अर्पित कह रहे हैं पेड लीव होगी ना हाँ पेड लीव होगी

वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रिलीज द बुक ऑन मुंडका उपनिषद आपने मुंडका उपनिषद के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में है ना मुंडका उपनिषद के बारे में आपने हिस्ट्री में इतिहास में पढ़ा होगा तो यहां पर बेसिकली किताब यहां पर रिलीज की गई है बुक ऑन द मुंडका उपनिषद वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर रिलीज द बुक नेम इज मुंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इमो इमोरिटलिटी ऑन दी नाइंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ठीक है तो 9 मार्च 2023 को मुंडका उपनिषद पर आधारित एक किताब आपकी यहां पर लॉन्च की गई नाम टाइटल भी वही है द बुक इज ऑथर्ड ऑथर पार्लियामेंट्रियन डॉक्टर उपराष्ट्रपति निवास इन न्यू दिल्ली तो जो एक तो होता है राष्ट्रपति निवास राष्ट्रपति भवन है ना और एक होता है आपका उपराष्ट्रपति निवास में पूर्ण सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा इस किताब जो किताब आपकी यहां पर लिखी गई है ठीक है क्लियर है कर्ण सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन और फिलोसफर भी हैं उनके द्वारा किताब लिखी गई ही इज द द सन ऑफ लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री हरि हरि सिंह सिंह या राजा आपने नाम राजा हरि सिंह का जरूर सुना होगा तो राजा हरि सिंह के जो कि लास्ट रूलिंग किंग थे महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर प्रांत के उनके बेटे हैं उनके द्वारा ये किताब आपकी यहां पर लिखी गई है ठीक है ही वॉज द प्रिंस रेजेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर नाइनटीन 1952. टू ठीक है प्रिंस रीजेंट थे 1952 तक जम्मू एंड कश्मीर के उसके बाद नहीं उनके द्वारा ये किताब आपकी लिखी गई है तो किताब का नाम याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है रिलीज किसने आपकी यहाँ पर की है कहाँ पर किताब लिखी गई है सब इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर बनेगा चलिए फटाफट से फाइव एम आपके और रिमेनिंग है तो फटाफट से इन का आंसर भी यहाँ पर कीजिएगा सभी लोग जितने भी लोग रेडी हैं डू लाइक द सेशन जल्दी से पहले तो सेशन को फटाफट से लाइक करना है जितने लोग लाइव हैं डू लाइक द सेशन अब पांच एम लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस क्वेश्चन नंबर वन ऑथर ऑफ द बुक नेम इज टाइटल इस बुक का टाइटल है एज गुड एज माई वर्ड इस किताब के लेखक यहां पर कौन बनते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एज गुड एज माई वर्ड यह किताब का फ्रंट पेज है इस किताब के राइटर यहां पर कौन बनेंगे फाइव एम ऑप्शन आपके सामने है सही जवाब बनेगा के एम चंद्रशेखर

पर 10 विकेट से आईपीएल का मैच जीता विमेन आईपीएल का तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट राइट आंसर रिकॉर्ड रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान हेल्ड ध्यान से आंसर दीजिएगा अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की गई कानपुर गुवाहाटी मुंबई नई दिल्ली और या फिर नागपुर में क्वेश्चन नंबर थ्री सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भारत की राजधानी नई दिल्ली में यहां पर इसको आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सी चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड डेली बेसिस पर आप एच यू एल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप डेली बेसिस पर यूज करते होंगे तो इस कंपनी के सीईओ और एमडी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम यहां पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर सही जवाब है रोहित जावा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर फाइव फटाफट से बताइएगा कि ली ली चांग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो मुझे नहीं लगता कि आपको फाइंड आउट करने में ज्यादा दिक्कत होगी लेकिन मुश्किल तो होंगे क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही रखे गए हैं जो कि इन्हीं नामों से संबंधित कंट्रीज के हैं ली चांग किस देश के नए प्रधानमंत्री आपके नियुक्त हुए हैं चाइना मलेशिया साउथ कोरिया जापान और नॉर्थ कोरिया सर तो जहां तक जापान की बात है जापान में ली चांग नाम के नाम तो नहीं चलते हैं है ना तो यहां पर हम समझ पा रहे हैं कि सही जवाब होगा चाइना ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हियर है, है ना क्लियर है तो चाइना यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा रिसेंटली वो प्राइम मिनिस्टर आपके यहां पर अपॉइंट हुए हैं ये रहे तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए हेडक्वार्टर आपको यहां पर बताना है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है और इसके अलावा रतन महल स्लॉथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रतन महल

को टारगेट करते हुए एल आई सी एम्स को टारगेट करते हुए आपका सेकंड मॉक आज दोपहर बारह बजे होगा तो सभी को उस मॉक को ज्वाइन यहां पर करना है करंट अफेयर्स इंश्योरेंस और स्टैटिक सभी के मिक्स क्वेश्चन मॉक के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डेली टाइमिंग सभी सेशंस की याद रखिए सुबह सात बजे द हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास सुबह दस बजे डेली करंट अफेयर सुबह आठ बजे डेली चलता है जिनको ना पता हो उनको बता दूं जो लोग आज पहली बार जुड़े हों एंड नहीं आज स्टैटिक नहीं है अब क्योंकि अट्ठारह तारीख को एग्जाम है शेखर अट्ठारह को एग्जाम है आई सी ए मेंस का तो अब बस बाकी के दिनों में पांच मॉक टेस्ट ही आपके यहां पर रन होंगे उसके बाद हम इसको फिर से उसी पुराने पैटर्न पर लेकर आएंगे तो मैथ्स के लिए सुबह नौ बजे प्रबल सर की क्लास शाम चार बजे जरूर ज्वाइन कीजिए रीजनिंग के लिए सुबह ग्यारह बजे और शाम पाँच बजे यहां पर कार्तिक सर के साथ रीजनिंग सब्जेक्ट की क्लासेस को ज्वाइन किया जाएगा एम वाइव एप्लीकेशन जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं बहुत सारी ई e बुक्स आपको मिल जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी ठीक है यहाँ से आप इजिली ई फॉर्म में या फिर वर्चुअल फॉर्म में किताबें यहाँ से हासिल कर सकते हैं क्विज दे सकते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज देख सकते हैं और भी बहुत कुछ तो इस ए आई पावर्ड एप्लीकेशन का लाभ उठाइए टेलीग्राम चैनल सेशंस की अपडेट्स और पी डी एफ के लिए तो आज के लिए इतना ही अगला सेशन प्रवल सर का होगा ठीक है आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइन सेशन लाइव कीप एम बाइविंग वी बिलीव इन यू थैंक यू अंकित गुप्ता साइनिंग ऑफ कीप एम बाइविंग वी बिलीव इन यू